जग और न जाए महात्म में, अवतार उजागर आन कियो, तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो, एह पदत ते मत चूक हरे मन, भेद बभेद न जान बियो, प्रताश हृदय गुर अर्जन कै, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, सो कहो टल गुर सेविया, एनस सहज सुभाए, दर्शन परसाए गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए, वाहे गुरु साहिब जियो, सोरठ महला पंजवा, गुरपुरा हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, सेज सुखावी सर्व सुख, हुण दुखा नाही जाए, इशपुनी वड भागनी वर पाया हर राए, मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए, हर जेगा अवरना दिसई, कोई दूजा लवे न लाए, हलत पलत सुवारे उना, नेह चल दिचियन जाए, संसार सागर ते रखियना, बहुड़ न जन्म ताए, जेवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए, फल गुण नित सलाही है, जिसनो तिल ना चुमाए, जिन जिन नाम ते आया, तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या, दरगहे सच खरे, सर्व सुखा निज चरण हर, भौजल विखम तरे, प्रेम भगत तिन पाइया, विख्या नाहे जरे, कूड़ गए दुबदा नसी, पूर्ण सच भरे, पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे, मन अंदर एक धरे, महादिवस मूर्त भले, जिसको नजर करे, नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे, महादिवस मूर्त भले, जिसको नजर करे, नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फल गुण आनंद उपार्जना, हर सज्जन प्रगटे आए, सम्मत 2069 जी दी इस महीने दे विच समाप्ति होनी है।
साल का आखिरी महीना फिर देसी महीनों के मुताबिक असी आम भाषा में कहते हाँ फगण का महीना। अगले महीने तो नवा साल शुरू हो जाना, नवा संमत शुरू हो जाना, जिहड़ा साड़ी संस्कृति नाल हिंदुस्तान के इतिहास नाल शुरू तो जुड़िया होया। ईसवी सन जिहड़ा है ये ईसा के जन्म तो शुरू होया, जिन्हों असी जनवरी फरवरी के तौर पर वरतते हाँ मनाते हाँ। पर अंग्रेजों का जो 200 साल का राज सी साडे ते उहदा ऐसा प्रभाव होया कि असी जनवरी फरवरी नूं तां याद रखते हाँ, पर जिहड़ा देसी संमत है उस नूं याद नहीं रखते। बहुत घट लोग होणगे जिन्हां नूं पता है कि संमत इस वेले किहड़ा चल रहा है, आउण वाला संमत किहड़ा है। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੰਮਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸੰਮਤ 2069 ਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਮਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੁੱਤ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। 15 फरवरी नूं बसंत है, बसंत पंचमी कहिंदे ने। जिहड़े पिछोकड़ पंजाब नाल जुड़िया उहनां नूं पता पंचमी जिहड़ी है किच्छे किच्छे किहड़े किहड़े इतिहासक स्थानां ते मनाई जांदी है। गुरद्वारा छिहाटा साहिब जिथे हर महीने पंचमी लगदी है, ते जदों इह बसंत पंचमी दा समां आउंदा है बड़ा वड्डा मेला साल बाद इह लगदा है। ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਲਾ ਬੇਅੰਤ, ਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਆਈ ਬਸੰਤ ਤੇ ਪਾਲਾ ਉਡੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੀਵ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਦੋਂ ਐਸੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 2-4 ਦਿਨ ਠੰਡ ਵਧੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਿਰਾਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ,
श्वास नाल परमात्मा विसरदा नहीं, भुलदा नहीं, वो संत ने। ते ओ जिहड़े संत ने ओ उस परमात्मा दे नाल मिलाप दे वास्ते सहायक ने, मददगार ने। संत सहाई राम के, परमात्मा नूं मिलाउण विच सहायता करन वाले। कर कृपा जी आ मिलाए, कहिंदे जिस जीव रूप इस्त्री नूं कृपा करके उन्हां ने उस परमात्मा नाल मिला दिता, उहदे अंदर ओ परमात्मा सज्जन प्रगट होया सी। सहज सुभावी सर्व सुख हुण दुखा ना ही जाए, उस जीव रूप स्त्री की हिरदे रूपी सेज जी है वह सोहनी बन गई है। परमात्मा प्रगट हो गया, सेज सोहनी हो गई। सर्व सुख उन्हों सारे सुखों की प्राप्ति हो गई है। हुण दुखा ना ही जाए, कहिंदे हुण उहदे हिरदे दे विच दुखा वास्ते कोई स्थान नहीं रहा, परमात्मा प्रगट हो गया। इस पुनी वडभागणी वर पाया हर राए, कहिंदे उस जीव रूप इस्त्री वड्या भागा वाली की इच्छा पूर्ण हो गई है, क्योंकि उन्हें वर पाया। वर की है, आप आम भाषा में वरतते हैं वर भाव लाड़ा पति। कहिंदे उसने वर के रूप में उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, इस करके उस वडभागणी वड्या भागा वाली बन गई, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। मिल सखियां मंगल गावही गीत गोविंद अलाए, जिन्हां होर भी सखियां ने उस परमात्मा की प्राप्ति कर ली। सखियां भाव सखियां, सखियां भाव सखेलियां। कहिंदे हुण ऐसी हरी की प्राप्ति वालियां सखियां मिलके परमात्मा की सिफत सलाह की गुरबाणी गायन कर दियां ने, खुशी के गीत गा रही ने। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवे ना लाए, उन्हां नूं होर कोई परमात्मा की बराबरी करने वाला दिखाई नहीं दिंदा। कोई नहीं लगता कि परमात्मा वर्गा कोई होर भी हो सकता है। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवे ना लाए, कहिंदे उस परमात्मा का कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता, उन्हां नूं होर कोई दिखाई भी नहीं दिंदा। हलत पलत सवारियन निखचल जितियन जाए, उन्होंने अपना हुण जिहड़ा है हलत पलत सवार लिया। हलत है मातलोक, पलत है परलोक, भाव दोवें स्थान सवार ले। मातलोक जिथे आप बैठे हुए हाँ, हलत पलत सवारियन निखचल जितियन जाए, परमात्मा ने उन्होंने वह स्थान दे दिता है जिहड़ा अडोल है, कदे हिलदा नहीं। परमात्मा के कमल रूपी चरण उन्हां दी उन्हां नूं प्राप्ति हो गई है। कबीर जी की बाणी पढ़ो, वो परमात्मा के चरणों की जिहड़ी प्राप्ति है, उसनों सारिया पदार्थों तो उच्चा, सारिया स्थानों तो उच्चा दस रहे हैं। कहिंदे कबीर सुरग नरक ते मैं रहे हो, सतगुर के प्रसाद चरण कमल की मौज मैं रहो अंत अर आदि। कहिंदे स्वर्गों तो भी मैं बच गया, नरकों तो भी बच गया गुरु की कृपा नाल, ते मैनू प्राप्ति होगी प्रभु दे कमल रूपी चरणा दी। ते ओ परमात्मा दे जिहड़े कमल रूपी चरण ने, उन्हां विच मैं आज तो लैके अंत तक भाव सारा समा उसे मौज विच ही रहना चाहुंदा सां। ते सतगुरु जी कह रहे ने कि निश्चल जितियां न जाए, उन्हां नूं उस स्थान दे दिता परमात्मा दे कमल रूपी चरणा वाला, जिहड़ा कदे डोलदा नहीं। संसार सागर से रखे बहुड़ न जन्मे ताए, जिहड़ा उन्हां नूं इह जन्म मिलिया ना मनुखा जन्म, संसार सागर के भाव संसार समुद्र जिन्हों असी भौजल संसार भी कहिंदे हाँ, सतगुरु जी ने इस नूं बिखम भी कहा है, भाव जिन्हों तरना कठिन होवे, इहनूं डरावना भी कहा गया है। जिथे आपां बैठे हुए हाँ, जिहड़े ते परमात्मा दे कमल रूपी चरणां नाल जुड़ जांदे ने, उन्हां वास्ते डरावना नहीं रहिंदा, उह तर जांदे ने। पर जिहड़े विकारां विच पै जांदे ने, उह इत्थे गोटे खांदे रहिंदे ने, बार बार जन्म लैंदे ने, बार बार मरदे ने। ते सतगुरु जी कहिंदे ने संसार सागर ते रखे हन, परमात्मा ने उन्हां नूं इस संसार समुंदर तों रख लिया, बचा लिया। बाहुड ना जन्मै ताए, क्योंकि उह फिर बाद विच जन्म नहीं लैंदे, उन्हां दी जन्म वाली जिहड़ी नट भज है वो खत्म हो जाती है, फिर उन्होंने इस संसार सागर से नहीं आना पैंदा। जिहवा एक अनेक गुण तेरे नानक चरणी पाए, हे नानक
ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਵਾ ਭਾਵ ਜ਼ਬਾਨ। ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਲਏਗੀ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇ ਫਿਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲਗੁਣ ਨਿੱਤ ਸਲਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲਣਾ ਤਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਮਤ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਮਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਇਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਨਾ ਸਕੋ ਅਤੇ ਭਟਕ ਜਾਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਫਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਤਿੰਨਕੇ ਕਾਜ, ਕਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਕਿਤੇ ਅੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਜ ਅੜਕ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੜਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਸਿਮਰਿਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਖਰੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾ ਨਿਤ ਚਰਨ ਹਰ ਭੋਜਨ ਵਿਖਮ ਤਰੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
हर गुरपुरा आराध्या दरगाह सच खरे उही सलाहे जांदे ने उहनां नूं भी स्थान मिलदा है जिहड़े सच नाल जुड़े हुए ने परमात्मा नाल जुड़े हुए ने जिहड़े खरे ने। सर्ब सुखा मिल चरण हर भौजल विखम तरे, इहदे सारे सुखां दा खजाना हरी दे चरण ने। थोड़ा आराम नाल पढ़ा तुहानू समझ आ जाएगी। सर्ब सुखा निध, निध कहिंदे खजाने नूं, चरण हर हरी दे चरण सारे सुखां दा खजाना है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी कहिंदे सब सुख, सब सुख दाता राम है, दूसर ना गे ना कोई, सारे सुख देण वाला परमात्मा है, दूजा होर कोई नहीं। इत्थे सतगुरु जी कह रहे हैं सर्ब सुखां निध चरण हर भौजल विखम तरे, जिहड़े भी उस परमात्मा दे चरणां नाल जुड़दे ने, लगदे ने, अपने आप नूं जोड़दे ने। कहिंदे जिहड़ा भौजल संसार जिहनूं विखम, जिहनूं तरना औखा है, वह तरे तर जांदे ने परमात्मा दे चरणां नाल जुड़ के। प्रेम भगत तिन पाईआ विखिआ नाहे जरे, कहिंदे जिन्हां ने तीन शब्द आया जे फिर, जिन्हां ने प्रभु की प्रेमा भगती प्राप्त कर ली, वो जिहड़ी संसार की जहर रूपी माया है उन्होंने साड़ नहीं सकती, वह नहीं सड़ती। उहदे विच कूड़ गए दुविधा नसी पूर्ण सच भरे, उन्होंने अंदरों झूठे पदार्थों का मोह चला जाता है, उन्होंने दुचिती सहसा खत्म हो जाता है, ते वो पूर्ण तौर पर उस परमात्मा के सच्चे नाम नाल भर जाते हैं, उन्होंने उसकी खजाने की प्राप्ति हो जाती है। पार ब्रह्म प्रभ सेम दे मन अंदर एक तरेक परमात्मा नूं अंदर धर के रख के वसा के वो एक उस परमात्मा का ही सिमरन करते हैं। महा दिवस मूर्त भले जिसको नजर करे, हुण जिहड़ियां असीं विचारां करदे रहिंदे हां ना, दुकान का मूर्त करना, पंडित नूं पुछ लो किहड़े वार करिए, वो पंडित कहिंदा जी अजे तारा डुब्बा अजे ना करो, जो तारा चढ़ेगा उदों कर लिओ। हुण कईआं नूं वो जिहड़ा तारा है वो दूसरी तरह दस्सदे, कहिंदे तारा चढ़िया जो डुब्बेगा तुहाडे जिहड़े फलाने फलाने ग्रह ने ना, ये मिलाप नहीं कर रहे उस तारे नाल। हुण तारा पता नहीं आसमान चढ़िया, पता नहीं कित्थे चढ़िया, उहदे ग्रहां दे आण के विचारे दे असर कर रहा। वह कहिंदे जी उपा हैगा 3100 रुपये जो उपा कर देने, दसो फिर तारा जिहड़ा जिहड़ा चढ़ जाता जां डुब जाता, जो 3100 रुपया पंडित को चले गया, चलो तारा चढ़ गया जां डुब गया कोई मतलब नहीं, उपा फटाफट दस देंगे। और दसते इस तरीके जी चीज़ जो लोड़ होंगी मंगवा देंगे, कहते हैं फलानी चीज़ लाओ उपा कर देंगे। सब जे पंडतानी घरों कहते ना जी आटा खत्म होगा, कहना कोई नहीं आ जाएगा वो जी, फिर जो कोई उपा करवाना उन्हें कहना जी एक थैली आटे की भी लाए हो, तेल की बोतल, जे ज्यादा कोई वेख लिया मोटी समझ घ्यो का टीन लिया दो। सतगुरु जी कहते दुनिया के लोगो सुन लवो, वहिमा भरमा चो उगल आवो, क्योंकि जे वहिमा भरमा में पै रवोगे तो तुहाडी जेब भी जिहड़ी हमेशा लुट्टी जाती रहेगी। कहिंदे महा दिवस मूर्त भले, महीने दिन मुहूर्त सारे ही चंगे ने, भले भाव चंगे ने, जिसको नजर करे। पर विच एक सतगुरु जी ने भुंडी रख ली, कहिंदे जिन्हां नूं परमात्मा की मेहर रूपी नज़र प्राप्त हो जाए, तो प्राप्त कदों होवेगी? सतगुरु जी ने उत्ते ही जवाब दे दिता, असी की चाहते हाँ जिहड़ा असी मुहूर्त करिए साडा काम चल पवे, जिहड़ा असी कारोबार शुरू कर लगे हाँ चल पवे। तो सतगुरु जी कहिंदे जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे, काज यही है ना साडा काम चल पवे। किसी का कोई काम, कोई कहिंदा मेरी गड्डी नहीं चलती, गड्डी चल पवे, कोई कहिंदे मेरा काम नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल, यही होंगे ना काज, काज भाव काम। तो सतगुरु जी कहिंदे उस परमात्मा का नाम लै जे तुर पो, फिर तेरे काम अपने आप सफले हो जाने, फिर तेनों पंडित को जाने की लोड़ नहीं, फिर किसी सियाने को जाने की लोड़ नहीं, क्योंकि महीनों च नुक्स नहीं, नुक्स साढ़े अंदर है, जिन्हां विच नुक्स नहीं। दिन ते जिवें रोजाना चढ़ता उवें सूरज चढ़ता, हाँ यह हो सकता कि समा थोड़ा तब्दील हो जाता, कभी सूरज पहला चढ़ गया 2 मिनट, सर्दियों के मौसम में होर इहदा हिसाब हुंदा चढ़न दा, गर्मियों के मौसम में होर हुंदा, पर वह भी तुहानूं इक भेद दस देवां, चढ़न का फर्क नहीं हुंदा। सर्दियों में जिहड़ा है मौसम की तब्दीली कारण
सूरज के अपने टाइम ना चढ़ जाता और 24 घंटे जरा चक्कर लगाना लगाई जाता। तुम विज्ञानकों पुछो वो अपने समय मुताबिक चक्कर लगा रहे होंगे। हम कारण की इतने सर्दी है धुंध पै रही है सानू सूरज दिखाई नहीं दिता। असं एक नहीं सूरज शायद चढ़न लेट हो गया, वह नहीं लेट होंगे अपने समय में चढ़ता, वह धुंध के कारण कोहरे के कारण सानू दिखाई नहीं दिता। गर्मियों में मौसम साफ होंगे सूरज सानू जल्दी दिखाई दे दिता। तो सतगुरु जी कहते ना महीनों में नुकस है ना दिनों में नुकस है ना कोई मुहूर्त चंगा माड़ा है, सारे चंगे ने। पर परमात्मा की नज़र जी है उन्हें प्राप्त कर लवो, परमात्मा नाल जुड़ना करो, परमात्मा का नाम लवो, परमात्मा तुहाडे सारे काम सवार देवेगा। नानक मंगै दर्श दान कृपा करो, हरे कहते नानक उस परमात्मा के अगे बेनती करके की मंग रहा। नानक मंगै दर्श दान, दर्श भाव दर्शन, दान के रूप में परमात्मा के दर्शन मंग रहा। कृपा करो हरे, हे हरी मेरे से कृपा करो, मैं अपने दर्शन देना करो। नाम से मैं तेरा ध्यारिया हाँ, नाम विच ते मैं जुड़िया होया हाँ, मैं अपने दर्शन भी देना करो। क्योंकि यह साड़ी एक सोच बनी हुई है, जड़ी चीज़ सानू दिखाई दिंदी है ना उहदा सानू भै भी मारदा है, उहदा प्रेम भी सानू बनाउंदा है। पर जड़ी चीज़ सानू दिखाई नहीं दिंदी उहदा प्रेम बनना भी औखा है, उहदा भै भी नहीं सानू रहिंदा। असीं हुण परमात्मा दे भै अंदर रहिंदे ही नहीं, और ना ही सानू उहदे नाल प्रीत छेती बनदी। भावें जिन्ना कोई मर्जी कही जावे कि वह परमात्मा बड़ा चंगा, वह सारा काम सवार दा, सारे काम करता साढ़े, पर प्रीत बन नहीं आती। उसका कारण है सानू दिखाई नहीं दिता। सामने आ रही बस साढ़े विच वजन लगे सानू पता लग जाता डर है, सामने दिखाई दे रही है, परमात्मा दिखाई नहीं दिता। तो सतगुरु जी कहते हैं मैं तेरा नाम जप रहा, असं भी नाम ही जपने लिए सतगुरु जी ने कहा नाम जपना। तो जो नाम जपोगे ये बेनती कर लो परमात्मा मैं दर्शन भी दे देवो। सतगुरु जी उही बेनती करने की सानू जाच दस रहे हैं, नानक मंगै दर्श दान कृपा करो, हरे हे हरी जीओ कृपा करो, मैनू अपने दर्शनों का दान देना करो। गुरबाणी उच्चारण करद अनेक भुला हो गई होगी, सत संगत बख्शन योग है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।